जाओ उनसे पूछो क्या हुआ उधर से। सर 2 साल पहले मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, तो जॉब के मैंने बहुत जॉब ढूंढी, फिर मुझे प्रताप चौक पे जॉब मिली, तो वहाँ पर मुझे जमशेद नाम मल्लिका आदमी मिला, जिसने मुझे 6,500 में जॉब पर रख लिया। और जॉब पर जाने के बाद 2-4 दिन के बाद ही उसने मुझे ऑफर किया और कहने लगा कि आप मुझे अच्छे लगते हो, तो मैंने उसे मना कर दिया। और फिर मैंने बोला मुझे काम नहीं करना, मैं घर चली गई। तो सर ने मुझे 2-4 दिन के बाद फ़ोन करके फिर बोला कि सॉरी मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, आप काम पर आ जाओ। सर जब मैं फिर काम पर गई, 2-4 दिन अच्छे से रहे, उसके बाद उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने किसी को बताया तो मैंने तेरा वीडियो बनाया है वायरल कर दूंगा। और उन्होंने मुझे बहुत डराया, गलत काम करने का वीडियो बना लिया था। हाँ जी। और उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया, बोला अगर तूने अपने घर में भी बताया तो मैं तेरी मम्मी डैडी को मरवा दूंगा। इसलिए मैंने डर की वजह से किसी को नहीं बताया, और वो 2 साल तक मेरे साथ ऐसे ही गलत काम करते रहे। और उन्होंने 2 साल में मेरा 3 बार अबॉर्शन और बहुत बार मेडिसिन खिलाई है। और फिर अबॉर्शन कहाँ पे करवाया था? अबॉर्शन एक आनंद ज्योत में और 2 जैन कॉलोनी में करवाए थे। फिर उन्होंने मुझे बोला था मैं तुझसे शादी करूँगा, लेकिन बाद में शादी नहीं की, उल्टा मुझे जॉब से निकाल दिया और भगा दिया। और मुझे बोला कि अगर तू लुधियाने में रहेगी तो मैं तुझे मरवा दूँगा, तेरी फैमिली को मरवा दूँगा, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, तू नहीं जानती है। इसलिए मैं इसी डर से मैं बाहर चली गई और मैं वहाँ जॉब करने लगी। वहाँ पर भी मुझे रोज़ फ़ोन करके परेशान करता था, ब्लैकमेल करता था। और मैंने पहले भी 2-3 बार कंप्लेन किया, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई नहीं किया। और अभी भी मुझे 1.5 महीना लगातार हो गया, यहाँ पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, रोज बुलाती है, गेड़े निकाल के फिर भेज देती है घर पर। FIR दर्ज है, लेकिन पुलिस उसे उठा भी नहीं रही है। किसके नाम पे FIR दर्ज करवाया? जमशेद मलिक के नाम। इसकी ब्रांच कहाँ पे लुधियाना में? इसकी ब्रांच कहाँ पे? जहाँ पे आप जॉब करते थे कहाँ पे करते थे? प्रताप चौक पर। कितनी ब्रांच है यहाँ पे, कितने ऑफिस? इसके 7 ऑफिस है लुधियाना में, 7ों का मालिक है। हाँ जी। तो अब पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, रोज बुलाती है, पूरा दिन बिठाल के फिर भेज देती है घर पे, बोलती है कल आना, ना उसको उठा रही है, ना कोई कार्रवाई कर रही है, ना मेडिकल हो रहा है, ना बयान हो रहे, कुछ भी नहीं कर रही है, रोज ऐसे बुलाती है। FIR दर्ज कर लिया? FIR तो दर्ज 3 अप्रैल को ही दर्ज हो गई थी, अभी तक भी इतना टाइम लगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला लड़की ने कंप्लेन की CCP साहब को, उदे असी दरियाफ्त करके उदे स्टेटमेंट के उत्ते FIR लॉन्च की है, जो लड़की 2016 के विच तांत्रिक दे कोल बतौर रिसेप्शन कम करती सी, तो उसने उदों कोई नशीली दवाई पिला के ड्रिंक उदे नाल जबरदस्ती रेप करते रहा, तो वो असी FIR नंबर 74-376 IPC दर्ज करके तो पूरे ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਿਛਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਕੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕਢਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।